बनाना, बर्ड बनाना, बीच अम्ब्रेला बनाना और एक मैप। सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेस आर्ट पीरियड? सो हियर वी गो। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सीनरी बनाना। उसके लिए हमें चाहिए एक शीट, पेंसिल और इरेजर और कुछ कलर्स। अब हमारी जो शीट होगी उसका जो ये मिडिल पॉइंट होगा वहां से हम ऐसे एक वेवी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम बनाएंगे आइलैंड। उसके लिए हम ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ऐसे एक कर्व बनाएंगे। ओके, अब आपका आइलैंड कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसकी जो ये मिडल वाली लाइन होगी, जो हमारी वीवी लाइन होगी इस आइलैंड के अंदर वाली, उसे हम अब इरेज करेंगे। अब इरेज होने के बाद आपका आइलैंड लगेगा ऐसा। अब हम बनाएंगे एक कोकोनट ट्री। उसके लिए हम ऐसे करके एक कर्व्ड लाइन बनाएंगे, एक और कर्व्ड लाइन बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है। अब हम इसे यहाँ नीचे वाले पार्ट से ऐसे जॉइन करेंगे और अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस निकालेंगे। आप जब आपका लाइंस बन जाएंगी तो ये ऐसा दिखेगा। और आपको पता है लाइंस किस लिए हैं? ये लाइंस कोकोनट ट्री की ब्रांचेस दिखाने के लिए हैं। आप कुछ कोकोनट्स हैंग करवा देते हैं इस कोकोनट ट्री पे ऐसे। तो ऐसे आप सर्कल बनाएंगे यहाँ इस पार्ट के इस नीचे वाले पोर्शन में। ओके, ऐसे बनाएंगे हम कोकोनट्स। नेक्स्ट है हमारा बीच अम्ब्रेला, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे एक सन। तो सन तो मैंने आपको पिछली सीनरी में सिखाया था। हम यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाएंगे एंड ऐसे लाइंस निकालेंगे सन की रेस के लिए। तो हमारा सन है इधर, तो अब हम बनाएंगे बीच अम्ब्रेला। तो बीच अम्ब्रेला हम ऐसे ऐसे एक टिल्टेड लाइन बनाएंगे ताकि सन की रेस यहाँ पर ना आए। तो हम यहाँ पे एक टिल्टेड लाइन बना लेते हैं। अब ये आपकी अम्ब्रेला की टिल्टेड लाइन बन गई है। अब हम इसके ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं अपना अम्ब्रेला। तो हम यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाएंगे और फिर ऐसे कर्व से इस वाली लाइन को उस वाली लाइन से जॉइन। देखो, जॉइन करने के बाद ये अम्ब्रेला का लुक आ गया ना। अब हम कुछ और लाइन से ऐसे ड्रॉ करके इसे जॉइन कर देंगे। नीचे बनाएंगे मैट। उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बनाएंगे। उप्स, ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल होता है। अब हम ऐसे छोटी 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 लाइंस दिखा देंगे। ये होते हैं टेसल्स। तो ऐसे छोटे छोटे निकाल के आप मैट के टेसल्स बना सकते हैं। आपका मन करे तो आप यहाँ पर साइड में एक बीच बॉल भी बना सकते हैं। बीच बॉल के लिए हम यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाएंगे एंड उसमें हम ऐसे लाइंस बना देंगे। ओके, अब टर्न आता है क्लाउड्स का। तो अब हम क्लाउड्स बनाते हैं। मैंने आपको क्लाउड्स भी सिखाए थे पिछली सीनरी में। ऐसे वेवी लाइन से हमें ऐसे कर्व 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 करके क्लाउड्स बनाने हैं। अब बर्ड्स बना लेते हैं। बर्ड्स के लिए हमें ऐसे टिक बनाना है। ओके, ये आपकी सीनरी रेडी हो गई है। अब हम इस सीनरी को करेंगे कलर। फ्रेंड्स, वी ऑल नो किसी ब्लू होता है और बीच ब्राउन होता है। सो फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि सी ब्लू होता है और आइलैंड ब्राउन होता है। तो हम पहले आइलैंड की बाउंड्री करेंगे ब्राउन से। अब ऐसे आप डार्क डार्क आइलैंड की बाउंड्री कर लेना। अब हम करेंगे सी की बाउंड्री। सी की बाउंड्री करेंगे डार्क ब्लू से। ओके, ये देखो, सी की बाउंड्री करने के बाद ये ऐसा लगेगा। अब हम सी में कलर करेंगे लाइट ब्लू। आपको याद है ना, हमेशा सेम स्ट्रोक्स रहने चाहिए। अब जब आप आइलैंड के पास आओगे तो थोड़ा केयरफुल रहना। और इसका बेस्ट तरीका है कि यहाँ आइलैंड के पास थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पहले से आप करके रख लो।
ये देखो आइलैंड के पास मैंने पहले ही कर लिया है, तब जब मैं यहाँ नीचे वाले पोर्शन में करूँगी तो मुझे कोई डर ही नहीं रहेगा। पूरे सी कलर के करने के बाद हम ऐसे ऐसे वेव्स बनाएंगे उसमें। एंड ये देखो मैंने इसमें ऐसे नीचे फिर यहाँ पे ऊपर किया है, तो अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे ऊपर एंड यहाँ पे नीचे करूंगी, अब मैं यहाँ पर नीचे एंड यहाँ पर ऊपर ऐसे करके ही वेव्स बनाऊंगी, वरना मेरा काम नीट नहीं लगेगा। सी को कलर करने के बाद हम बीच को कलर करेंगे, तो अब हम इसको थोड़ा सा लाइट शेड करेंगे, तो उसके लिए हम पेंसिल कलर ले लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट शेडिंग। अगर आपको डर लगे कि आपके ब्राउन कलर इस बॉल या फिर मैट में ना चला जाए, तो आप पहले से यहाँ पर ऐसे ऐसे आउटलाइनिंग कर लेना इसकी, तो आपका कलर अंदर नहीं जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे आप थोड़ा थोड़ा आउटलाइनिंग कर लेना और फिर यहाँ बाहर 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 कलर कर लेना। आइलैंड कलर करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्री को कलर करना। उसके लिए हम पहले ऐसे डार्क डार्क आउटलाइनिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है? ऐसे आउटलाइनिंग करनी है आपको अपने ट्री की। फिर हम इसके अंदर ऐसे लाइंस बना देंगे, बिल्कुल एक लैडर की तरह ऐसे लाइन लाइन बना के आप अपने पूरे ट्री को फिल कर देना। अब हम कोकोनट ट्री को फिल करेंगे। ओके, तो हमने और अब हम कोकोनट की कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले फिर से कैसे आउटलाइनिंग कर देंगे कोकोनट्स की, एंड फिर इसमें ऐसे ऐसे हल्का हल्का शेडिंग से इसको कलर कर देंगे। अब कोकोनट ट्री की ब्रांचेस को कलर करने के लिए हम डार्क ग्रीन कलर से इसकी जो हमने भी ब्रांचेस बनाई है उनके ऊपर एक बार फिर से ये कलर चला देंगे ऐसे। तो अब इसको कलर करने के लिए हम लाइट ग्रीन कलर और येलो का यूज करेंगे। पहले येलो से हम इसके ब्रांचेस से ऐसे छोटा 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 लाइंस निकाल लेंगे, ठीक है? अब ये कुछ इस तरह से लगेंगी। अब हम बाकी को भी इसी तरह से कलर कर लेंगे। हमने अपने ट्री की जो ब्रांचेस है उस पे येलो पे मैंने ऐसे लाइट ग्रीन भी करना स्टार्ट कर दिया है। लाइट ग्रीन के बाद ये ऐसा लगेगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डार्क ग्रीन भी करूंगी, देखो ऐसे, ठीक है? ये देखो हमने कोकोनट ट्री की ब्रांचेस को लाइट ग्रीन, येलो और डार्क ग्रीन से कलर करके रेडी कर लिया है। तो अब हम हमारे अम्ब्रेला को कलर करना स्टार्ट करेंगे। उसको हम बहुत कलरफुल बनाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑरेंज, डार्क ब्लू, येलो एंड पिंक। हर पोर्शन में हम अलग अलग कलर कर देंगे। फर्स्ट पोर्शन में मैंने किया ऑरेंज, इसमें मैंने किया डार्क ब्लू। अब अम्ब्रेला रेडी होने के बाद हम ब्लैक कलर से इसकी जो लाइंस है ये सारी उनको एक बार फिर से ट्रेस कर लेंगे ऐसे। देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे हम ट्रेस। आफ्टर अम्ब्रेला वी विल स्टार्ट कलरिंग आर मैट। उसके लिए आप कोई भी टू कलर्स ले सकते हैं, जैसे मैंने पर्पल और पिंक लिया है। तो मैट को हम कलर करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपने पर्पल कलर से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लूंगी अपने मैट पे, और अब मैं इस पे पिंक कलर से वर्टिकल लाइंस बनाऊंगी। इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रॉस हैचिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम एक पैटर्न, जैसे हमने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, अब हम उसी के ऊपर वर्टिकल लाइंस दे रहे हैं। तो इस टेक्निक को ही हम कहते हैं क्रॉस हैचिंग टेक्निक। मैट के बाद हम बीच बॉल को कलर करेंगे, उसको भी हम बहुत कलरफुल बनाएंगे।
इसके लिए हम यूज करेंगे रेड ग्रीन ऑरेंज एंड ब्लू। सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग द बॉल। हर एक पार्ट में हम एक एक कलर करेंगे ओके। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने किया ब्लू, सेकंड पार्ट में मैं करूंगी रेड। ये देखो हमारी बीच बॉल भी रेडी हो गई है। अब बारी है सन को कलर करने की। आप येलो और ऑरेंज से सन को कलर कर सकते हैं। तो पहले आप पहले इस पे ऐसे पूरा सन येलो कलर से कर दीजिए ओके। फिर हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑरेंज से भी ऐसे कलर कर देंगे। अब हम इसकी रेज बनाएंगे। तो पहले बड़ी लाइंस को हम येलो से ऐसे ट्रेस कर लेंगे ठीक है। फिर ऑरेंज कलर से हम इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे और लाइंस बना देंगे। आफ्टर सन वी विल कलर द क्लाउड्स ओके। क्लाउड्स के लिए हम पहले डार्क ब्लू कलर से उनकी आउटलाइनिंग करेंगे ऐसे ओके। आफ्टर आउटलाइनिंग हम इसके अंदर लाइट ब्लू कलर फिल कर देंगे। क्लाउड्स को फिल करने के बाद ब्लैक कलर से हम इन बर्ड्स को ट्रेस कर देंगे ऐसे। डार्क डार्क करना बर्ड्स को ट्रेस, वरना वो अच्छी नहीं लगेंगी। बॉल या फिर मैट